Cadbury Moro T20 World Cup Hangama presented by Sunsilk Shine brought to you by Zameen.com Har Pata Hame Pata Hai powered by Dolans refreshed by Fright एंड आर कूलिंग पार्टनर इज पेल स्प्राइट ही बोला है मैंने आवाज खराब होने की वजह से अगर आप लोगों को कुछ और लग रहा हो तो स्प्राइट समझ जाइएगा प्रोग्राम क्या है टू फॉर्मर स्किपर्स इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक साहब ने गुफ्तगू का आगाज करेंगे आज की टॉप स्टोरी जो है उससे सुपर एट का मरहला भी आज से शुरू होने जा रहा है उस मैच में भी हमने बात करनी है साउथ अफ्रीका वर्सेज यूएसए लेकिन पहले हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से जो खबरें आ रही हैं आज जो एक बड़ी अहम खबर आई है वो ये है कि बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज टीम पाकिस्तान ने खेली है उस टेस्ट सीरीज में रिजवान शाहीन और बाबर को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है और नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है इस पर हम बात करेंगे बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का इंजी भाई ये जो खबर आई है आप इससे किस हद तक मुत्तफिक हैं कि होना चाहिए आप सीनियर खिलाड़ियों को बिठा दें हमें ये भी याद रखना है कि ये जो टेस्ट सीरीज है ये टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा है सारों से तो पहले अल्लाह आपकी तबीयत ठीक करे क्योंकि जी आपने पाकिस्तान सुपर एट नाम में ना पहुँचने का बहुत दुख लिया है बहुत तो गला खराब हो गया गला खराब हो गया उसमें दूसरी चीज़ ये कि ये तो बिल्कुल सही है कि जी बाबर शाहीन और रिजवान ये तीनों ड्रॉप हो रहे हैं अच्छा बहुत बड़ा सवाल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा सिलेक्शन पे उठा था कि जो सिलेक्टर्स थे उन्होंने क्या टीम सेलेक्ट की थी इसका मतलब है कि सिलेक्शन कमेटी अपनी जगह पर मौजूद है कि जी वो ये डिसीजन ले रही है कि जी किसने उसमें पार्ट बनना है किसी ने नहीं बनना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जी ये खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे जी ठीक है कि ये ड्रॉप है या नहीं है ये अला मसला नहीं है इसका मतलब है कि सिलेक्शन कमेटी से अगर वो कंटिन्यू कर रही है तो इसका मतलब ये कि जी बोर्ड का कॉन्फिडेंस उन पे है बोर्ड उनकी सिलेक्शन से मुतमईन है कि जी जो बोर्ड ने ना कोई भी चेंज नहीं की तो वो अब आके याली हमें खबरें निकल रही हैं कि जी वो याली चीज़ें कर रहे हैं सो पहली तो याली चीज़ इस चीज़ पर देखने की है जी और ठीक है कि जी अगर आपके पास पास के ये बाबर का कोई यंगस्टर आपने अगर तैयार कर रखा है तो आपको ज़रूर मौका देना चाहिए रिजवान की रिप्लेसमेंट में अगर आपने कोई यंगस्टर तैयार कर रखा है क्योंकि बोर्ड की एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी थी नहीं है लेकिन सरफराज की बात की जा रही है कि शायद शान मसूद चाहते हैं कि रिजवान की जगह जो है सरफराज टीम का हिस्सा हो नहीं वो क्योंकि बोर्ड ने थोड़ी देर पहले ना एक स्टेटमेंट दी थी ना कि हम यंग प्लेयर्स को अब ट्राई करेंगे तो मैं उस हवाले से बात कर रहा था कि मैंने कहा इन तीन की जो रिप्लेसमेंट है क्योंकि वो यंगस्टर्स कोई तैयार हुए हो जिन पे इन्होंने हमारे सिलेक्टर्स ने जिन पे ये हमारा कॉन्फिडेंस अभी तक है बोर्ड का क्योंकि जी इन्होंने कोई यंगस्टर्स कोई सेकेंड लॉट तैयार कर रखी होगी जो अब है ना इनकी जगह लेंगे आके शायद तैयार करें अभी तो वो लोग यूएसए थे ना टीम के साथ वापस आ जाएंगे तो शायद तैयारी का सोचे फिर अच्छा अभी नहीं तैयारी ठीक है तो मेरे लिए ये है कि जी ये हमेशा से ये एक है ना चुप कराने का तरीका है कि जी अच्छा जी हम ये कर रहे हैं और ये भी अभी खबर है कोई मेरा मतलब है कन्फर्म नहीं है कोई भी चीज़ ये एक खबर है मैं उस खबर के हवाले से बात कर रहा था कि जी कोई भी चीज़ अभी कन्फर्म नहीं है देखिए मैंने पहले भी ये वाली चीज़ कही थी कि आपने कोई भी कदम उठाना है ना वो ज़रा सोच के उठाना है ऐसा ना हो कि जी आप सिर्फ दिखाने के लिए इस तरह की चेंजिंग करें कि जिससे लोग तो खामोश हो जाए टीम को कोई फ़ायदा ना हो ठीक तो मेरा ये ख्याल में कि जी आपको देखना चाहिए और हमेशा यंगस्टर्स को जो भी यंगस्टर्स की नहीं बात कर रहा मैं जो भी पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और जो टीम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है उसको ज़रूर मौका देना चाहिए और हमेशा ये सलीम भाई भी यहाँ बैठे हैं ये भी कप्तान रहे यंगस्टर्स को हमेशा से मौका मिलता है और देना भी चाहिए कि एक एक दो दो करके अगर आप पांच यंगस्टर्स एक साथ डाल देंगे या सात यंगस्टर उसका भी फायदा नहीं है नुकसान है ठीक है खाना अच्छा हो ज़्यादा खा लेंगे तो नुकसान हो जाएगा ठीक है सलीम भाई ये जो हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन की भी लेकिन ये जो तीन नाम आए हैं ना बाबर रिजवान और शाहीन के ये तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन जिनको आप कहते हैं वो थे इस वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस कुछ इस तरह की नहीं रही शाहीन भी उस तरह से विकेट्स नहीं ले सके रिजवान भी मैचेस फिनिश करके नहीं जा सके जो उनका रोल होना चाहिए था स्पेशली वर्सेस इंडिया जो मैच हम लोगों ने खेला उसमें बाबर ने तो खैर एक आधा मैच जो है फिनिश किया एक लास्ट मैच जो हमने आयरलैंड के अगेंस्ट खेला है वो फिनिश किया उन्होंने तो इन तीनों प्लेयर्स के नाम तो आ रहे हैं इनको ड्रॉप किया जाना चाहिए बाकियों के नाम हमने उस तरह से नहीं सुने जिनको इतने मौके दिए गए इसमें
अभी इंजी ने एक बात की थी, जो असल चीज़ काम करने वाली उस पर तो हम कर नहीं रहे भाई। सबसे गंदा काम किया था सिलेक्शन ने, सिलेक्टर्स ने जो जो सारा पाकिस्तान के जिन्होंने पंजाबी कह देना बेरा गर्क किया सी, वो था सिलेक्शन जिसने सबसे गंदी, आज तक जितनी भी सिलेक्शनें हुई हैं सबसे गंदी सिलेक्शन ये थी। उन पे आप बात नहीं कर रहे, आप अपने प्लेयर्स को, हमेशा से ये होता है कि क्रिकेट बोर्ड का काम ये होता है, ये जो नीचे वाले लोग होते हैं ना ये पुश करके अपने आप को बचने के लिए प्लेयर्स पे डाल देते हैं। जी जी। अब देखें बात सुने, ये जवान और ये बाबर और जितने भी शहीन जो हैं ये तीन आपके मेन प्लेयर हैं। ये तो वही बात है ना कि ये तो ऑटोमेटिक, हाँ ये एक बहुत सारी मुल्कों में होता है कि आप उनको रेस्ट दिलवाते हैं। ये ड्रॉप करने वाला अल्फाज जो है ना ये थोड़ा मेरा ख्याल गलत है। आप ये कह सकते हैं कि हम उनको रेस्ट करवा रहे हैं, और रेस्ट होना भी चाहिए, काफ़ी लंबी क्रिकेट खेल रहे हैं, यंगस्टर को बिल्कुल चांस देना चाहिए। जो इंजी ने बात की थी ना, देखे यंगस्टर पता किस तरह तैयार होते हैं कि आप एक दो यंगस्टर साथ लेके जाते हैं, उनको एक आध मैच खिलाया, वो फील्डिंग करवाई ताकि उसको जो प्रेशर होता है ना ग्राउंड का वो उनका ख़त्म हो। कई दफ़ा आप बहुत बड़े स्टेडियम में जाके जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड बैठा होता है ना, तो वो आपका वो खौफ होता है ना, आप डर जाते हैं, तो वो आप उसको ख़त्म करते हैं पहले के साथ साथ मैच खिलाते हैं, उसको तैयार करते हैं जिसको कहते हैं। अब चूँकि हमारी टीम की पिछले 4-5 सीरीज से मेरा ख्याल 2-3 साल हो गए हैं, हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो यंगस्टर्स की ज़रूरत है। आप मैक्सिमम क्या होगा, इससे बुरा होगा जो हम करके आ रहे हैं, हार रहे हैं हम, तो शायद आपको अच्छे प्लेयर्स मिल जाएं। और मेरा ख्याल में इनमें बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे जिनके अभी इन्होंने नाम लिखे हुए हैं, आमिर जमाल, शाहनवाज और खुरम, शहजाद मीर। अच्छा ये नाम भी जो लिखे हुए हैं कि ये सारे ड्रॉप ऊपर से आप बैट्समैन कर रहे हैं, यंगस्टर सारे बॉलर हैं। नहीं, शफीक का नाम भी लिखा हुआ है, अब्दुल्ला का नाम है, अब्दुल्ला के बारे में इनसे भाई ने बात भी बहुत की है। ये शफीक का भी है, और भी हैं एक दो लड़के, ये साउथ शकील है, सलमान अली आगा भी है। ये इनके ये स्लिम भाई ये रेगुलर पार्ट है टेस्ट मैचेस का ना, ये नहीं है कि जी इनको चांस दिया जा रहा है, ये रेगुलर प्लेयर है खेलने के। अब्दुल्ला, शफीक, ये आगा, ये रेगुलर पाकिस्तान से टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। साउथ शकील भी खेल रहे हैं, रेगुलर खेल रहे हैं। आप असल देखें एनजी, ये क्यों नहीं थे फिर, मिडिल ऑर्डर है ना, मिडिल ऑर्डर थे ना हमारे जी। असल सवाल तो ये है कि ये उस वक्त इनको क्यों ड्रॉप किया गया मिडिल ऑर्डर में, 6 ओपनर। ये देखें ना इनजी, ये जो चीज चेंज करने वाली है हम उस पर बात ही नहीं कर रहे, इसका मतलब है ये सिलेक्शन कमेटी यही है। मतलब आपने पाकिस्तान सारी की उल्टबाजियां लगवा दी हैं, हर बंदा आप इधर अफसरदा उधर वो अफसरदा, सारा मतलब सारा बेरा गर्क करने वाले ये सिलेक्शन कमेटी है। और आप वो फिर ये आगे से बयान अगर हम सुने, और ये फिर जो बॉस ने स्टेटमेंट दी हुई है जो हमारे चेयरमैन ने कि जी मैं मेजर सर्जरी करूँगा, तो ये सर्जरी तो ना हुई ना फिर, ये तो अगर ये लोग वहीं रहेंगे और इसी तरह पाकिस्तान की सिलेक्शन होगी तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेने हैं, हम जाइए ब्रेक से, जब वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। हमने बात करनी है नए प्लेयर्स की जिनके बारे में बात हो रही है कि उनको बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारी होम सीरीज है, टेस्ट चैंपियनशिप में इंक्लूडेड हैं वो मैचेस, उनमें चांस दिए जाने का इम्कान है। तो बॉलर्स पे आ जाते हैं पहले जी, शाहनवाज धानी का नाम आ रहा है, आमिर जमाल का, खुरम शहजाद का, मीर हमजा का, ये सारे वही लड़के हैं जो पहले भी टीम का हिस्सा रहे हैं ऑफ एंड ऑन इन द टेस्ट सीरीज। सलीम भाई, ये सारे लड़के वही हैं जो हिस्सा रहे हैं। हारिस रऊफ का स्पेशली मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी, उनका नाम है कि उनके नाम पर गौर नहीं किया जा रहा। तो पहले जब वो नहीं जाना चाह रहे थे तो आपने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया, आपने उन पर दबाव डाला कि जी क्यों नहीं जाना चाह रहे, आपको जाना चाहिए, जबकि हमें पता है कि हारिस रऊफ लंबी क्रिकेट नहीं खेले हुए। तो ये कैसी ज़बरदस्ती थी कि आप ज़बरदस्ती उनको ले करके जाना चाह रहे हैं और अब आप कह रहे हैं कि जी हम उनके नाम पर गौर नहीं करें, तो ये किस तरह की पॉलिसी है? देखें ये उस वक्त भी इनके IQ लेवल चेक करना चाहिए था और अब भी करना चाहिए, इसलिए कि जब वो इनको नज़र नहीं आया था कि उससे 10 ओवर कम्प्लीट नहीं हो रहे जी,
जब उसने रिफ्यूज किया था वर्ल्ड कप में, उससे तो 10 ओवर बेचारे से उसने तो सही फैसला किया ना, उसने देखा मेरी एबिलिटी क्या है। मैं उसी तरफ आ रहा हूं जी कि जब एक बंदा नजर आ रहा है आपको कि वो स्ट्रगल कर रहा है, वो जो हम बार बार बात करते हैं, जब आप फर्स्ट क्लास खेलेंगे तो आपकी टांगे मजबूत होंगी तो आप कर पाएंगे। आपको नजर आ रहा है कि एक बंदा 10 ओवर में स्ट्रगल कर रहा है तो आप उसको कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाओ जाके 20-25 ओवर करो, ये तो फिर आपके आपके विजन ही नहीं है ना। और जो कह रहा था उसने खुद भी कहा था कि मैंने रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलनी क्योंकि मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, बस हो गया मेरा। अलाउ नहीं कर रही, वो नजर आ रहा था ना आपको, तो इसका मतलब है आपको पता ही नहीं है सिलेक्शन का। उसके बाद जब उसने रिफ्यूज कर दिया, अब आके उसको आप वो कह रहा है कि मैं हम ड्रॉप कर रहे हैं। यार अब भी आपको सोचना चाहिए कि एक बंदे ने उस वक्त आपको रिफ्यूज किया था कि मेरे से लंबी बॉलिंग नहीं हो सकती, तो आप फिर पुश कर रहे हैं, तो ये तो सिलेक्शन को भाई ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस लेने का मामला था, अब रेड बॉल नहीं खेल रहा हारिस ऑफ लेकिन वाइट बॉल तो खेल रहा है ना, ये कैसा इंसाफ है कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही वापस ले लें उससे? नहीं, वो असल में इसलिए किया था कि जी उसने रिफ्यूज कर दिया था कि जी ऑस्ट्रेलिया जाने से। उस टाइम सिचुएशन ये थी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, इनके पास फास्ट बॉलर खत्म हो गए थे, कुछ इंजरीज थी, कुछ इस तरह का था, इंजर्ड था, हाँ कुछ और इंजरीज थी, और ये पहली दफ़ा आए थे, ये कोशिश ये कर रहे थे कि हो जाए, तो इन्होंने हारिस रऊफ को पुश किया, हालांकि वो फर्स्ट क्लास भी नहीं खेलता, कि उसको 4 दिन का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप टेस्ट मैच में भेज रहे हो उसे, तो वो कभी खेला ही नहीं, और उसने ना कभी उसने क्लेम किया कि जी मैं खेलना चाहता हूँ। तो और ये पहली दफ़ा एग्जाम्पल नहीं थी इस चीज़ की कि जी जिस तरह ये आमिर है, आमिर ने भी तो टेस्ट मैच से, और ये वहाब खुद है, इसने खुद भी टेस्ट मैच खेलने से इनकार किया था, तो वहाब ही थे जिन्होंने उनसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस लिया। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस पे ये वाला एक्शन लिया जा सकता हो कि जी कुछ हो, क्योंकि जी ड्रॉप तो उसको उस टाइम करें ना कि उसने ये कहा होगा कि जी मुझे अब टेस्ट मैच के लिए कंसीडर करें, उसने कहा ही नहीं, उसने कहा ही नहीं, तो आपने वैसे ही ड्रॉप कर दिया। इनको चेक करना चाहिए यार, इनको इतना ही नहीं पता कि तो, और हम इसीलिए वाली चीज कह रहे हैं कि, और दूसरी चीज ये कि ये कोई बुरी बात नहीं है कि जी अगर कोई वनडे खेलता है, कोई अगर ओडीआई खेलता है या कोई टेस्ट मैच खेलता है, बाहर भी सारी चीज़ें डिसाइड हैं, लेकिन वहाँ उसका अपना एक ये रूल है कि वो जिस काउंटी से भी खेलता है, जिस उससे भी खेलता है, तो वहाँ फर्स्ट क्लास जरूर खेलता है। जिसको सलीम भाई बहुत दफ़ा मेंशन कर चुके हैं कि ये दीवार पे लिख के लगा दे, जिसने भी पाकिस्तान का जो भी फॉर्मेट खेलना है लेकिन उसको पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास खेलनी पड़ेगी, वो खेलना एक अलहदा से चीज़ है, वहाँ से आप सीखते हैं। ये ज़रा थोड़ी सी चीज़ है ना, ये लोग अंडरस्टैंड कर लें इस चीज़ को, कोई एंगल ना लें, कोई इसमें ये चीज़ ना लें, सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें, आप 4 ओवर करके आप बॉलर नहीं बन सकते, आपको दिन के 20 ओवर करके आप सीखेंगे, बेशक आप T20 भी खेल रहे हैं, बेशक आप सिर्फ वनडे के प्लेयर हैं, लेकिन जब तक आप लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे, या जो बैट्समैन है वो जिस टाइम तक दिन में 5 घंटे पिच पे खड़ा नहीं रहेगा ना 4 डे में, उस टाइम तक उसको बैटिंग की टेक्निक का भी नहीं पता चलेगा, इसलिए फर्स्ट क्लास करते हैं। उसके बाद आके आप ये ज़रूर कहें, आप दुनिया के जितने भी स्पेशलिस्ट T20 प्लेयर हैं, आप उनको ये देख लेंगे कि जी ये हैरी ब्रुक्स है, ये नया लड़का आया इंग्लैंड का, जिसने वो बड़ा तेज़ खेलता है, सारी चीज़ें करता है, आप उसका फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड उठा के देख लें, ठीक है? तो ये सारे जितने भी प्लेयर्स हैं दुनिया में सारी जगह पे, तो ये थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और ना ही किसी प्लेयर के जाए पर्सनल होने की ज़रूरत है किसी से क्योंकि जी आप टेस्ट मैच नहीं खेलते। हाँ, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला था ना, हमने उसमें ये वाली चीज़ की थी सलीम भाई कि जिस तरह हमने पॉइंट्स रखे थे टेस्ट मैच के, ODI के और T20 के, ठीक है, T20 के और ODI के जितने पॉइंट्स मिलके बनते थे ना, इतने टेस्ट मैच के पॉइंट बनते थे कि उनको कंसीडर किया जाएगा बी में या ए में, वो सिर्फ इसलिए कि अगर जो प्लेयर सिर्फ टेस्ट मैच खेलता है, जो प्लेयर सिर्फ टेस्ट मैच खेलता है वो पाकिस्तान साल में 10 टेस्ट मैच खेलता है, ठीक है ना, फिर वो जो टेस्ट मैच खेलता है उसको कोई लीग भी नहीं बुलाती खेलने वास्ते, ठीक है ना, उसको कहीं भी नहीं, उसको पैसे बेचारे को थोड़े मिलते हैं, तो इसलिए लोग भागते हैं, तो हम उनको फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ना बहुत उनको कंसीडर करते थे टेस्ट मैच खेलने वालों को, उनको फिर ना ए ग्रेड में रखने की कोशिश करते थे ताकि उनको पैसे मिले, और जो दूसरे लड़के हैं उनको भी ये चीज़ मिलेगी कि जी अगर हम टेस्ट मैच खेलेंगे तो हमारा
हम है ना अच्छा ग्रेड लेंगे, ठीक है जी। तो अब है ना वाली चीज बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। जो सिर्फ T20 खेल रहा है ना, जो सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहा है, बेशक जितना मर्जी परफॉर्म कर रहा है, हम उसको सी ग्रेड से ऊपर आने नहीं देते थे। हमने कहा अगर तुम्हें अगर ऊपर वाले ग्रेड में आना है तो हमने कहा कि तुझे और सर्व करना पड़ेगा पाकिस्तान को, बगैर सर्व किए हुए आप नहीं खेल सकते। ये थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है इन चीज़ों को ना, थोड़ी थोड़ी सी ये अंडरस्टैंड करेंगे, बैठ के आराम से बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएंगी, प्लेयर भी क्लियर होंगे, लोगों को भी बात समझ आएगी। ठीक है सलीम भाई, टेस्ट कैप्टन जो है हमारे शान मसूद, वो चाहते हैं, ये पहले भी हमने थोड़ा सा जिक्र किया लेकिन मैं चाहूँगी हम डिटेल में इस पर बात करें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लें, वो चाहते हैं कि सरफराज जो है वो टीम में इंडक्ट हो इंस्टेड ऑफ रिजवान एज कीपिंग बैटर। बहरहाल उस पर एन जी ने बड़ी क्लियरली बात की थी। बात देखें, अगर आप हम यंगस्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं तो फिर सरफराज तो मेरे ख्याल उनकी अपनी जो लीग हो रही थी उसमें उसको कोच बनाने का सोच रहे थे, ऐसे ही है ना इंजी जी। तो फिर आप उस बंदे को आप वापस जा रहे हैं फिर, ठीक है ना, आप अगर वापस जाएंगे, मेरे ख्याल यहाँ जो मुझे समझ आ रही है कि जो हम बार बार रोज़ बात करते हैं अथॉरिटी की जी। तो मेरे ख्याल शान इस वक्त अपनी अथॉरिटी दिखाना चाह रहा है कि शान सुन रहे हैं वो बात। फिर मैं आपको बताऊँ, कुछ कुछ कैप्टन जो होते हैं ना उनको उनको होता है कुछ लोगों पर कॉन्फिडेंस कि शायद उसको वो लगता हो कि वो मेरे लिए बेहतर परफॉर्म कर सकता है, मगर उसको ये भी सोचना चाहिए कि अगर आपने पाकिस्तान टीम को बिल्ड करना है तो फिर आपको किसी ऐसे यंगस्टर्स के साथ जाना चाहिए जो लंबा पाकिस्तान ने सर्व करना है, क्योंकि सरफराज देखें काफ़ी देर से वो भी स्ट्रगल कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, अपनी लीग में भी कर रहा है और पाकिस्तान में भी कंसीडर नहीं किया जा रहा, बहुत अच्छा प्लेयर था जी, अपने टाइम उसने बड़ा पाकिस्तान को सर्व किया है, पर मगर बात यह है कि अब उसकी उसकी क्रिकेट वो वाली नहीं रही, तो अगर आप उसको फिर वापस लेके आएंगे तो फिर किसी यंगस्टर के विद एज रिफ्लेक्सेस आपके थोड़े स्लो हो जाते हैं। आपको चाहिए इस वक्त, अगर शान को भी सोचना चाहिए कि जरूर कंसीडर करे अपनी टीम को, उसको करना चाहिए जी, ठीक है, क्योंकि उसने जवाब दे उसने होना है, ठीक है जी। तो वो उसके लिए उसको यंगस्टर को मेरे ख्याल में मौका वक्त पे जाना चाहिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, आप लोग कहीं मत जाइए, ये T20 वर्ल्ड कप हंगामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। अब हम बात करेंगे, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, हारिस रऊफ की फ़ैन के साथ जो एक लड़ाई और गुस्से वाली जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हुई, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उनका कहना था कि जो भी था फ़ैन जिसने बदतमीज़ी की है हारिस रऊफ के साथ, उसको हारिस रऊफ से माफ़ी मांगनी चाहिए वरना हम इस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। इंजी भाई, कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? वेरी पॉजिटिव जी, वेरी पॉजिटिव। और देखें जिस तरह पूरे पाकिस्तान का माहौल चल रहा है ना, सारे प्लेयर्स के लिए नेगेटिव बोल रहे हैं जी, और क्या कि जी पाकिस्तान सुपर 8 में नहीं पहुंचा, सो इस तरह के इंसिडेंट पे चेयरमैन का इतना ब्लंटली स्टेटमेंट देना कि प्लेयर के हक में, ये बड़ा अच्छा हुआ, खुशी महसूस हुई सुन के ना कि ये वाली चीज़ होनी भी चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंस अपनी जगह है, लेकिन जो इस तरह का इंसिडेंट है उस पर बोर्ड को एग्जैक्टली बिल्कुल पीछे खड़ा होना चाहिए अपने प्लेयर्स के, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बड़ी अच्छी एग्जांपल सेट की है, और आप ये अगर बोर्ड वाली चीज़ करेगा ना तो ये फैंस को भी थोड़ी सी तंबी होगी कि जी आप करेंगे ना इस तरह, सो ये बोर्ड है ना हमें एक्शन लेगा और प्लेयर्स का भी हौसला बढ़ेगा। तो ये बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, मैं तो ये समझता हूँ, पहले तो कभी इस तरह नहीं हुआ कि जी कभी इस तरह की चीज़ हुई है तो वो प्लेयर बेचारे एक्सप्लेनेशन देते रहते थे आके क्योंकि जी नहीं जी इस तरह नहीं, लेकिन ये बड़ा अच्छी चीज़ हुई है कि मेरे ख्याल में जितने भी अभी ये सारे मैचेस होते हैं T20 में पहली कोई चीज़ हमें अच्छी देखने को मिली है। कोई अच्छी खबर वरना तो सर्जरी वाली खबरें आ रही नहीं वैसे ही, और इसमें आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में देखे ये कोई भी चेयरमैन हो ना उसको अपने प्लेयर्स का साथ देना चाहिए, ऐसी मुश्किल हालात में जैसे टीम स्ट्रगल कर रही है, तो मेरा ख्याल ये बहुत अच्छा काम किया। आप अपने प्लेयर्स के साथ खड़े रहे, आप किसी को हक नहीं दे सकते कि उनके साथ बदतमीजी करें, क्योंकि देखें वहाँ एक क्रिकेट बोर्ड होता है या चेयरमैन होते हैं वो जो प्लेयर ना उनकी तरफ देख रहे होते हैं जब ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो, तो मेरा ख्याल है उस वक्त आपको प्लेयर्स के साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि लोग तो देखें बहुत बदतमीजियाँ करते हैं, तो ये अच्छा लगा कि उन्होंने जो स्टेटमेंट और बाद में ये बना दिया गया था कि फैन ने सिर्फ सेल्फी मांगी थी। अब सेल्फी मांगने पर तो कोई इस तरह गुस्सा नहीं होता ना, मतलब नॉर्मल इंसान तो
आपने सेल्फी मांगी, अगर वो अपनी फैमिली के साथ था, अगर उसने कहा कि जी मैं सेल्फी नहीं उतारता, तो इसमें क्या ऐसी बुरी बात है? आप इतनी सेल्फी उतारते हैं कि लास्ट टाइम हम भी मना कर देते हैं लोगों के, अभी नहीं है। तो इसमें कोई फैन का भी बुरा मनाने वाली चीज़ नहीं है कि जी कोई इस तरह की चीज़ करे अगर कोई प्लेयर सेल्फी का मना कर दे। वो इस वक्त ना लोग बहाना ढूंढ रहे होते हैं ना कि ये रिफ्यूज़ करे, हम बदतमीजी करे, वो यही हुआ होगा कि उसने। हाँ, बहुत गलत बात है, इस तरह से नहीं किया। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये सेल्फी का जिस तरह हारिस राउफ भागा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बात कोई और हुई है। ये सेल्फी भी कहे जी, उसने कहा मुझे सेल्फी चाहिए, उसने कहा नहीं चाहिए, तो उसने कोई बात की, तो इस तरह नहीं हो सकता। हाँ, ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर नहीं है। अगली खबर में बढ़ते हैं, जो कि है केन विलियमसन ने जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिनाई कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि वो तीनों फॉर्मेट्स के लिए दस्तयाब होंगे, बट कैप्टनसी भी नहीं ले रहे वो, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने नहीं लिया। वेरी रेयर, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता सलीम भाई। नहीं देखें, ये आप देखें, गोरे अक्सर टॉप के ऊपर जाके ना, कई दफा वो उनका वैसे फैमिली तो भी बॉटम था, न्यूजीलैंड में बाहर नहीं, हो गया। वो मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ, वो तो हार गए ना, तो इनमें है ये बहुत होता है कि ये खुद ही स्टेप डाउन कर जाते हैं। मगर अक्सर आप इनको देखो, बहुत सारे इंग्लिश प्लेयर या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, ये जब पीक पे भी होते हैं ना, तो इनका मसला होता है, ये कहते हैं जी हम फैमिली की हमें प्रॉब्लम हो गई है। बहुत सारे मैंने इंग्लिश प्लेयर देखे थे जो जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो वो उन्होंने छोड़ देते। ये इनमें होता है जी, ये कुछ लोग अपनी फैमिली के लिए इतने टूर्स होते हैं, इतनी लीग्स होते हैं, वो सेक्रीफाइस करते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं, अगर वो समझ रहा है तो ये तो उसका अपना डिसीजन, उसका अपना डिसीजन है कि कप्तानी अच्छी नहीं हुई या उसको लगा कि मैं अच्छा टीम अच्छा नहीं कर सकी, इन जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। नहीं, आपने कहा ये बड़े प्लेयर का बड़ा डिसीजन, मैं थोड़ी सी माजरत के साथ मैं इसको कुछ समझ नहीं सका कि जी मैं तीनों फॉर्मेट के लिए दस्तयाब हूँ, ना मैं कप्तानी करूँगा, ना मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लूँगा, इसकी मुझे समझ नहीं आई। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो वो इसलिए लेना चाहते कि जब वो अवेलेबल नहीं होंगे टीम के लिए जनवरी के बीच में, आठ मैचेस के लिए उन्होंने कहा है जो टेस्ट चैंपियनशिप के हैं उसके लिए मैं दस्तयाब हूँ, और चैंपियंस ट्रॉफी जो अगले साल पाकिस्तान में होनी है उसके लिए भी वो दस्तयाब। हाँ, जरा सिर्फ इसको आप जिस तरह इसकी जो डिसीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, अगर कल कोई हमारा लड़का यहाँ भी ये डिसीजन लेना, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब इसका पूरा ये वाला डिसीजन लेगा लड़का कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं ले रहा, किसी और को दे दे मेरे हिस्से। जी जी, ये हमारे प्लेयर्स ने कर रखा है। अच्छा, ठीक है, कोई ये नहीं है कि यहाँ भी लोगों ने कहा कि जी हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे, हमें आप लीग खेलने की इजाजत दे दें, जो जो सीरीज मैं खेलना चाहूंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि मैं आपको दस्तयाब हूँ, अगर आपने मुझे सिलेक्ट करना तो कर ले। वो यही कह रहे हैं ना आपको। जी जी, ये विलियमसन यही कह रहे हैं ना, जो सिरी, तो ये इसको जरा थोड़ा सा ना, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट तो बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी लगी, लेकिन ना अपने अगर अपना भी लोग ये इस तरह कह रहे हैं ना, तो उसको भी इसको अच्छा समझना, इसको बुरा ना समझना अगर इस स्टेटमेंट को अच्छा कह रहे हो। न्यूजीलैंड ने तो अभी भी किया था कि जिस टाइम उनकी टीम पाकिस्तान आई थी, 14 प्लेयर उनके खेल रहे थे IPL, ठीक है, तो अगर हमारे ये होता कि जी पाकिस्तान में सीरीज हो रही होती और 14 प्लेयर कोई लीग खेल रहे होते, फिर क्या होना था? फिर दंगे फसाद। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना लेने की यही वजह है ना, ठीक है ना, फिर दंगे फसाद होने थे। सलीम भाई, एक और, जो वहाँ प्लेयर खेल रहे थे उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था। अच्छा। विलियमसन भी उधर ही था, विलियमसन के पास वो, इसलिए सलीम भाई ये आपकी जो उनसी अटर्नी बनती है ना, शेड्यूल पूरे साल का बनता है, फिर आप साल के बाद है ना किसी को है ना कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि अपना जी मैं जी इधर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, बोर्ड से पूछ के ही करते हैं, तो फिर दूसरे जो उनसे बोर्ड वाले ना वो बीच में से छेड़ते नहीं है क्योंकि जी जो उनसे अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज हुई ना ये शेड्यूल में नहीं थी, वो बीच में ऐड करी थी, उनकी कमिटमेंट थी जी, उन्होंने उनकी कमिटमेंट को ऑनर किया। अच्छा, हम यहाँ कोई और मसले को है ना, मैं जो आपसे यही बात कह रहा था ना, हम मसले को कहीं और ले जाते हैं, वो नेशनल कमिटमेंट पे तुमने ना ड्यूटी पे होता है वैसे कि जी आप छोड़ के जा सकते हैं। सलीम भाई, हम शायद इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जिस टाइम PSL होता है ना, PSL पाकिस्तान में जो प्लेयर के आते हैं, वेस्ट इंडीज़ के आते हैं, दूसरे के जो नेशनल टीम के, वो पहले से बता के आते हैं कि जी हमें ना 5 मैच के लिए दस्तयाब है। आपने देखा होगा ना कि जी, जी, चले जाते हैं बीच, प्लेयर्स बीच में से चले, वो पहले से बता के आते हैं, ठीक है, क्यों उनकी सीरीज पहले से शेड्यूल तय होती है। मेरे ख्याल में टाइम खत्म हो गया, ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए T20 वर्ल्ड कप हंगामा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। अब हम बात कर लेते हैं जी सुपर 8 जिसके मुकाबलों का आगाज आज से हो रहा है। पहला मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएसए खेला जाना है। A2 इज यूएसए और A2 पाकिस्तान को होना था। अब क्योंकि पाकिस्तान तो नहीं है, पाकिस्तान तो बाहर हो गया पहले मरहले से, लेकिन आप देखिए इस मैच का टाइम भी जो है ना वो भी पाकिस्तान के प्राइम टाइम के अकॉर्डिंग रखा गया था। पाकिस्तानी वक्त 7:30 बजे ये मैच शुरू होना है, तो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान जो है आगे नहीं जाएगा। चलें कुछ तो अच्छा हुआ, मैच तो टाइम पे देखने को मिलेंगे। साउथ अफ्रीका यूएसए, साउथ अफ्रीका अनबीटेबल रही है, अब तक कोई भी मैच हारे नहीं है वो, बट यूएसए टफ टाइम दे रही है। देखिए अब मैचेस जो है ना वो यूएसए में नहीं होने, अब चले गए हैं वेस्ट इंडीज में, मगर अगर आप लास्ट मैच देखें ना अफ्रीका का, एक रन से जीते हैं, जो मैं अजीब ही लगा था कि वो इतनी जिसको कहते हैं ना हमारी टर्म में कि हल्की टीम थी उससे हारने लगे थे। 115 स्कोर, और वो चूंकि एक्सपीरियंस नहीं थे वो कर नहीं पाए, हालांकि वो उनके 6 आउट थे जी, 2-3 स्कोर रहते थे, वो मैच हार गए। मगर बात यह है क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है जी, जी। अब बात फिर उधर ही आएगी कि अगर हम बाहर हो सकते हैं ना, कुछ भी हो सकता और है। कुछ भी हो सकता है, मगर आप अगर ऑन पेपर देखें तो मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका बहुत बेहतर टीम है, मगर जिस तरह यूएसए खेल रही है उसने कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी, तो साउथ अफ्रीका को उसको इजी नहीं ले सकते। आप किसी टीम को भी सुपर 8 में अगर कोई टीम क्वालिफाई कर गई है तो इसका मतलब है उसमें एबिलिटी है कि वो अच्छा कर सकती है। तो मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका बहरहाल बेहतर टीम है यूएसए से, और उसको अच्छा करना भी चाहिए। यूएसए जो है जाहिर है वो भी बड़ा अच्छा टफ टाइम दे रही है, इतनी अच्छी क्रिकेट हम तो उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर उनकी आप देखें ना 11, तो वो कोई जो है वो पाकिस्तानी है, कोई जो है वो इंडियन है, कोई जो है वो किसी और सिटीजनशिप से है, तो इतने सारे लोग मिल के एक टीम बना के अच्छा खेल रहे हैं। पूरी बात करें, अभी तो छोड़ दिया आपने, थोड़ी सी करें कोई इशारा, काफी इशारा कोई करें पाकिस्तान के एक मुल्क का। देखिए हम तो एक मुल्क के भी एक टीम बना के नहीं खेल पा रहे, हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं। तो कह दे वो कोई नहीं, मेरा मतलब बात हजम नहीं होती है, पहले गला खराब है इस चीज पे होगा। और देखो ये भी फेयर नहीं है, दूसरे मुल्क एक मुल्क से टीम बना रहे हैं, ये 7-8 मुल्कों के प्लेयर लेके टीम बना रहे हैं, तो ये भी फेयर नहीं है। और ये जो है ना ये इस टीम से, ठीक है अमेरिका पहुंच गई है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, काफ़ी दफ़ा एसोसिएट मेंबर है ना आगे तक चले गए हैं जी, जी। तो अब सारी टीमें ना कोशिश ये करेंगी कि जी इनके खिलाफ है ना अच्छे तरीके से अच्छे मार्जिन से जीतें, क्योंकि बाकी 3 टीमें ना मजबूत हैं, ये यहाँ अपना रन रेट को ना बेहतर करने की कोशिश करेंगी, ताकि अगर कहीं हम किसी से रन रेट पे मसला आए, आ भी सकता है कि दो टीमों ने करना है तो रन रेट का मसला आए, तो इनका रन रेट जहाँ बेहतर हो, तो साउथ अफ्रीका भी आज ये कोशिश करेगी कि जी हम है ना इनसे बेहतर मार्जिन से जीते ताकि इनका रन रेट बेहतर हो। वैसे साउथ अफ्रीका की टीम हमेशा बड़ी अच्छी रही है, लेकिन ये लोग कोई भी मेजर टूर्नामेंट जीतने में नाकाम रहे हैं अब तक। हमने लास्ट ईयर भी देखा सारे ओडीआई का जो वर्ल्ड कप था इंडिया में, उसमें हमने देखा शानदार परफॉर्मेंस, बैट के साथ 100 पे 100 लग रहे हैं बॉलर्स इनके शानदार, लेकिन फिर जब सेमीफाइनल पहुंचते हैं तो ऐसे चौक कर जाते हैं और मतलब जीत ही नहीं पाते कोई टाइटल। ये वैसे 92 वर्ल्ड कप से आप देखें ये बहुत बेहतर टीम नज़र आती है आपको जी, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक ये बहुत अच्छा खेलते हैं। ये पिछला जो हुआ है उसमें भी देख लें, वर्ल्ड कप में भी ये लगता है कि बड़ी इनसे अच्छी टीम कोई नहीं, और जिस दिन हारना है तो ये भी लगना कि इनसे बुरी टीम भी कोई नहीं। मेरा ख्याल सेमीफाइनल में आके ना ये पैनिक कर जाते हैं, प्रेशर बहुत, आई डोंट नो, ये देखें जैसे वो होता है ना कि एक यंगस्टर जब उसको पहली दफ़ा आप किसी बड़े क्राउड के सामने भिजवाते हैं ना जी, तो वो डर सा जाता है, घबरा जाता है, तो इनके अभी तक मेरा ख्याल वो खौफ अभी तक नहीं निकल पा रहा कि हालांकि बड़ी एक्सपीरियंस टीम है, इससे बड़े देर से बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत टूर्नामेंट में आप देखो ऐसे आएंगे सेमी क्वार्टर फाइनल में एकदम ऐसे लगेगा जैसे इनको खेलना ही नहीं आता। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा उनको ऑब्वियसली इस पे काम तो कर रहे होंगे, इनको साइकेट्रिस्ट वगैरह को दिखाना चाहिए, जरूर दिखाना मगर चाहिए। ये जब निकल गए ना कभी तो ये अच्छा करेंगे। वुड लव टू सी अ न्यू चैंपियन हियर, क्योंकि पाकिस्तान की टीम तो अब है नहीं, अब किसके लिए दुआ करें, अब तो बस सबर से हमें मैच देखने हैं। प्रोग्राम का वक्त जो है खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका भी सलीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका इंजी भाई, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। सवाल आपसे मुलाकात होगी 11:03 पर। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।